ऋषि घाट स्थित परोपकारिणी सभा द्वारा शुक्रवार से 3 दिवसीय 136वां ऋषि बलिदान समारोह शुरू हुआ। इस उपलक्ष्य में ऋषि उद्यान की यज्ञशाला में 28 अक्टूबर से यजुर्वेद पारायण यज्ञ किया गया, जिसकी पूर्णावती 3 नवंबर को होगी। यज्ञ के ब्रह्मा डॉक्टर विनय विद्यालंकार हैं। प्रधान डॉक्टर वेदपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दयानंद वेदपीठ दिल्ली एवं अनुसंधान केंद्र परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित वेद गोष्ठी का विचारणीय बिंदु वेद वर्णित ईश्वर स्वरूप एवं नाम रखा गया। समारोह में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ वेद गोष्ठी भी चलती रहेगी। ऋषि मेला 136 वर्ष से लगातार ही चल रहा है। ऋषि दयानंद की जो विरासत के रूप में जो मिला है, वेद का प्रचार करना, उत्तम ग्रंथों का प्रचार करना, आर्य राष्ट्र बनाना, लोगों के अंदर चरित्र निर्माण की बात करना, संस्कारों की बात करना, क्योंकि आधुनिक शिक्षा संस्कारों की बात नहीं करती। वह धन वैभव संपत्ति और भौतिक सुविधाओं की बात तो करती है, लेकिन वैदिक शिक्षा जो है वो संस्कारों की बात करती है, चरित्र की बात करती है। इसलिए हर वर्ष ऋषि मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग उनके अंदर चरित्र बनने की प्रेरणा दी जा सके और उन्हें संस्कार मिल सके। ऋषि मेला कब तक रहेगा? ऋषि मेला 3 नवंबर तक रहेगा। क्या क्या आयोजन है इसमें? मानव निर्माण के संबंध में, नारी शिक्षा के संबंध में, गुरुकुल के संबंध में और स्त्री शिक्षा के संबंध में और चरित्र निर्माण संबंधी और राष्ट्र शिक्षा संबंधी सम्मेलन और राष्ट्रवाद। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर राजनीति में देखें तो राष्ट्रवाद की काफ़ी बातें सुनाई दी जाती है। किस तरह के राष्ट्रवाद की बात की जा रही है? वैदिक राष्ट्रवाद सार्वभौमिक राष्ट्रवाद है। हम तो उसी की कल्पना करते हैं कि समानी व आकृति, समाना हृदयानी व समान वस्तु यथा व सुसाहसति। परमात्मा ने सबको समान बुद्धि दी है, समान हाथ पाँव दिए हैं, हर प्रकार से सब सुख सुविधाएं परमात्मा ने सबको बराबर दिए हैं। तो हमारा ज्ञान जो है, हमारा जो कर्म जो हो, सब के लिए हितकारी हो, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, तो ये हमारा राष्ट्रवाद है। हम पूरी दुनिया का हित चाहते हैं और वही होना चाहिए शिक्षा क्षेत्र में और आधुनिक उत्थान के धन और वैभव के उत्थान की दृष्टि से सब बराबर। आधुनिक शिक्षा जो है वो कितनी बाधक है राष्ट्रवाद में? नहीं, बाधक नहीं है, प्रयोग करने का तरीके का हमारा तरीका होना चाहिए। बाधक तो हम नहीं कहेंगे, परंतु उसमें चरित्र और ईमानदारी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक, तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।